बाप रे, पुलिस पुलिस पुलिस। रुक जा छोरी, हवलदार शेर सिंह आ गया, नीचे उतर। सब शरीफ छोरे छोरी जिन्हें भी हैं बाहर निकल जाओ, और बदमाश इधर आके खड़े हो जाओ लाइन में। चल हट बाबू जी। मैं बाहर तू जा। और रुक, शक्ल से बदमाश लगता है, खड़ा हो जा। साहब ने कहा था एक लड़की को फड़ के ले आओ, मैं डेढ़ डजन कुड़िया दो डजन मुंडे फड़ के जा रहा हूँ। साहब ये दोनों बेटे ऊपर। बहुत बड़ा काम किया तूने, हाथी की सूंड पे तलवार मारी, बच्चों को फड़ के ले आप। पराठ पराठ तुम लोग बाहर जाके खेलो बच्चों, जाओ बाहर जाके खेलो। साहब बहुत कुछ होगा, तुमको फड़ के ताने दे जाओ ताने। जय हिंद साहब जी। डर लाया मैं सबको साथ में, डर लाया आगे आ जाओ आगे। तू रुक जाते जगह साहब जी, फिर आप नहीं कह सकते कि हवलदार शेर सिंह ने आज तक कोई केस सॉल्व नहीं किया। सबको ले आया ना मैं। वो दोनों कहाँ है? कौन दोनों? वो दोनों लड़का लड़की जिनको पकड़ने के लिए तुम्हें भेजा था। लुड़की लुड़का, ऐसा कहो ना साहब। है देखो, इसको कहते हैं लुड़की और ये होता है लुड़का। पैंड जी, ये होती है लुड़की और इसको कहते हैं लुड़का, और उसके बाद ये भी होती है लुड़की। उल्लू का पट्टा। मैं इन सब की बात नहीं कर रहा, बल्कि इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों की। ये तो बच्चा लोग है दोनों। ओफो, इन दोनों को ही तो पकड़ना था। साहब जी एक छोटी सी बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, अब मैंने इन दोनों को बच्चा लोग समझ के जान दिया। यू ब्लडी फूल, गले अलर्ट, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। साहब जी एक और चांस दे दो हमको, बस एक और चांस। शट अप नाउ, गेट आउट, और जब तक इन दोनों को पकड़ ना लो मुझे अपनी मनोज सूरत मत दिखाना। रुक जा लल्ला, रुक जा, अभी आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रहे हो। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं और तुम्हारा पीछा? हैज यू गॉन मैड? मैं टांगे में तुमसे पहले आई हूँ। माय फुट, मैं था पहले। मैं कहती हूँ मैं आई थी। पहले मैं आया था। मैं आई थी। मैं आया था। मैं आई थी। मैं कहती हूँ टांगा इससे चलाओ। अब तो और जोर से भागेगा, हवा से बातें करेगा। बर्खास्त कर देंगे,
नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। अरे कोई मजाक है, नौकरी से बर्खास्त कर देंगे? अरे हम भी आदमी है, जानवर नहीं है। जो मुंह में आया सो बक दिया, उल्लू कदा नलायक। अब तो जबान में ताले लग जाएंगे। कहते थे शेर सिंह ने आज तक कोई केस नहीं पकड़ा। साहब, क्या हम दोनों आपके पहले मुजरिम हैं? पहले तो पर आखिरी नहीं हो। अब हम भी बहुत चतुर हो गए हैं। चलो, अब तो आपको हवलदार से सब इंस्पेक्टर शेर सिंह बना दिया जाएगा। अच्छा? हाँ, और फिर आपके हाथ में पिस्तौल होगी। अरे वाह! और फिर बड़े बड़े डाकुओं को आप अपनी गोली का निशाना बना देंगे। और आपका नाम शेर सिंह से शेर बब्बर रख दिया जाएगा। शेर बब्बर? हाँ, और आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना दिए जाएंगे। इंस्पेक्टर शेर सिंह और शेर बब्बर सिंह। और आपको इंस्पेक्टर से सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बना दिया जाएगा। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और सुपरिटेंडेंट साहब, आपकी दहकती हुई आवाज सुनकर बड़े बड़े अफसर कांप उठेंगे। हवालदार चौधरी, सलाम साहब। हम गधे हैं, हम नलायक हैं, हम उल्लू के पठे हैं। तू हमको नौकरी से बर्खास्त करेगा, तेरी मजाल है। इंस्पेक्टर से हवलदार बढ़ा दिया, हवलदार। देखा बच्चों? चले थे नौकरी से बर्खास्त करने के लिए, हैं? जय हिंद साहब जी। ले आया हूं मैं। अकेला पकड़ के लाया हूं मैं। यूं साहब जी, अब तो आप हमको नौकरी से बर्खास्त निन्ना करेंगे? हम दोनों को फड़के ले आया हूं। किसको पकड़ लाया शेर सिंह? लुड़के को और लुड़की को। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया शेर सिंह? ये पुलिस स्टेशन है, कोई गाय भैंसों का तबेला नहीं। तबेला? गाय भैंसों का तबेला? साहब जी, हम तो वो लुड़का लुड़की को पढ़ के लाया था, हमको नहीं मालूम ये पैस का बच्चा किधर से आ गया। इडियट! एक साल की तुम्हारी कैजुअल लीव बाकी है और वो आज से शुरू। और आज के बाद मुझे अपनी मनुष्य सूरत कभी मत दिखाना, नहीं तो जेल में बंद कर दूंगा, उम्र कैद की सजा दिला दूंगा। नाउ गेट आउट। ठीक है साहब जी, अब जाता हूँ। हम भी लड़का लुड़की को पढ़ के वापस लाएगा तब आएगा। जय साहब। ओह, अब इस आफत से छुटकारा कैसे पाएंगे? सुनो, इस आफत से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। क्या? ये रेल की पटरी है, तुम उधर लेट जाओ, मैं इधर लेट जाता हूँ। कुछ देर बाद ट्रेन आएगी और हथकड़ी कट जाएगी, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। गुड आइडिया। चलो फिर लेटो। बड़े चालाक हो, तुम उधर लेटोगे, मैं इधर लेटूंगी। ट्रेन आएगी, हथकड़ी कटेगी,
लग जाऊंगी। तुम क्यों नहीं देखते इधर? तो बेवकूफ है लेकिन है नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं। देखो सामने गांव है, माल व्यवहार जरूर होगा। वहां चलते हैं, हथकड़ी कटवा लेंगे। ओ लोहार जी, कोई लुड़का लुड़की आपके पास आए थे हथकड़ी कटाने के लिए? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आए। नहीं आए तो फिर आएंगे जरूर, मैं उनको ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। शक्ल सूरत से बहुत भोले लगते हैं, मगर उनकी सूरत पे मत जाना, बहुत चतुर है। चतुर हमसे ज्यादा चतुर है वो। अगर आपकी दुकान पे आए ना तो उनको पकड़ के सीधा थाने ले आना। नहीं नहीं नहीं, थाने मत लाना, सीधा मेरे पास लाना। ले आऊंगा हवलदार। हम उनको थाने ले जाएंगे, अपना रिकॉर्ड सीधा करवा देंगे। राम, पिंकी का पता चला? कोई खबर नहीं। सुमन, भगवान ने चाहा तो हमारी बेटी बहुत जल्द हमारे घर आ जाएगी। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। बहुत कोशिश कर रही है। आज दो दिन हो गए पिंकी को घर से जाके बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे, और न जाने मेरे बेटे कितने साल में होंगे। गुड इवनिंग मिस्टर राम। अरे इंस्पेक्टर चौधरी, आइए। एक खुशखबरी लाया हूँ आप लोगों के लिए। क्या पिंकी मिल गई? मिली तो नहीं, लेकिन अब जल्दी मिल जाएगी। अभी खबर मिली है कि उन दोनों को जम्मू के आसपास कहीं देखा गया है। दोनों को? आपकी बेटी पिंकी और वो लड़का जिन्हें हमारे हवलदार शेर सिंह ने एक ही साथ गिरफ्तार किया था और एक ही हथकड़ी में बांध दिया था, लेकिन वो दोनों से चकमा देके भाग निकले। क्या कहा आपने? मेरी लड़की किसी गैर लड़के के साथ एक ही हथकड़ी में बंधी हुई है? कौन है वो लड़का? जी, वो भी घर से भागा हुआ है और यही दिल्ली के एक बहुत बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर है, मिस्टर विजय मेहरा, उनका लड़का है। विजय मेहरा, आपका कंस्ट्रक्शन के बारे में एक्सपीरियंस क्या है? आप जानते क्या? थोड़ी सी किताबें पढ़ ली तो इतने मॉडल बना ली बस। क्या अगर राम के लिए तुम्हारे दिल में कुछ नहीं तो जब वो तुम्हें डांस के लिए कहेगा तुम उसके मुंह पे तमाचा मारो। आई हेट बास्टर्ड, गेट आउट। शेर सिंह, शेर सिंह, इस आदमी को धक्के मार के बाहर निकाल दो। राम, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं सुमन, हम अपनी बेटी को ढूंढने खुद ही जाएंगे।